लीलावती और कलावती की कथा का विधान आया है। आइए हम भी श्रवण करते हैं कलावती और लीलावती की कथा। सूत उवाच, फिर सुनो, सूत जी महाराज कह रहे हैं, सनकादि 88,000 ऋषियों आप श्रवण कीजिए। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुत्व मुनि सत्तमा, पुरा चोल का मुखो नाम नृपश्चासीन महामती, जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति, दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयत् सुधी। भार्या तस्य प्रदुमुक्ता सरोज वदना सती, भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरन्। अरे सनकादि 88,000 ऋषि मुनियों, यह श्रेष्ठ मुनियों में अब मैं तुम्हें आगे की कथा श्रवण कराता हूँ, आप लोग सुने। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का एक राजा था, वह अति जितेंद्री, कर्मानुष्ठानी, सत्यवादी और बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाकर भगवान शंकर को नित्य प्रति बिल्व पत्र जल अभिषेक करता था और नित्य संतुष्ट रहता था। कमल के समान मुख वाली सुंदर सी उसकी पत्नी धर्मप्रायणा थी, सत्यवादी थी और उसके साथ में एक बार की बात है, वह भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धन राशि से संपन्न एक साधु वणिका वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक पूछने लगा। क्या पूछ रहा है? साधु वाचा किमिदं कुरुसे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरुत सर्वं छोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। अरे राजन, आप क्या कर रहे हैं, कौन सा व्रत कर रहे हैं, कृपया मुझे भी बताइए। राजो वाच, राजा कह रहे हैं, पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुलते व्रतम च स्वजनै साधम पुत्राद्या वाप्ति कामया। अरे महाराज, मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ साधो, और इस व्रत के करने से अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु पूजन करके प्रसन्न हो जाते हैं। भूतस्य वचनम सुत्वा साधो प्रोवाच सादरम। राजा का वचन सुनकर आदर पूर्वक पूछने लगा, कौन महाराज? साधु पूछने लगे, मुझे भी संतति नहीं है महाराज, उसके अवश्य ही संतति प्राप्ति होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने के लिए भगवान सत्यनारायण का विस्तार पूर्वक व्रत का विधान बताया। जब मुझे संतति प्राप्त होगी तब भी मैं यह व्रत करूंगा। इस प्रकार वह साधु अपनी भार्या लीलावती से कहने लगा। एकस्मिन् दिवने तस्य भार्या लीलावती सती भर्तियुक्ता नंदचित्ता भवत् धर्मपरायणा। उसकी जो पत्नी है भक्तियुक्त मन से धर्मपरायणा होकर एक दिन गर्भवती हो गई। और गर्भवती हुई, जैसे ही 10वें महीने उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई, वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनानुदिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम उसने कलावती रखा और उसके बाद लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहने लगी, पूर्व संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत के को आपने नहीं किया। उसने उसके पति देव ने कहा था, महाराज मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा जब मेरे घर में कोई संतान हो जाएगी, घर में कन्या हो गई और उसके बाद भी उसने व्रत को नहीं किया। उसने बोला कि विवाहे तस्या करिष्यामि व्रते प्रिये। अरे कन्या, अरे प्रिये, सुनो लीलावती, मैं जब ये कन्या का विवाह हो जाएगा तब यह व्रत करूंगा। अच्छा, तो इति भार्या समासस्य जगाम नगरम प्रति। अपनी भार्या लीलावती को आश्वासन देकर वह राजा नगर के लिए चला गया, वह बणी। उसके बाद महाराज ततो भाग्यवशात तेन विस्मृतम प्रथमोत्तमम, वहां जाकर उसने एक सुंदर से बड़ी पुत्र को लाया, उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया कलावती का। और विवाह करने के बाद, कन्यादान करने के बाद, वह विवाह के बाद भी व्रत को नहीं किया। विवाहे विवाह समये तस्यस्तेन रुष्टो भवत् प्रभु, विवाह के समय भी नहीं किया, भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के पश्चात भगवान ने उसका संपूर्ण धन भी छीन लिया, दोनों जामादा, दोनों जवाई और दामाद दोनों कहाँ गए, व्यापार करने के लिए गए। व्यापार करते समय महाराज, इसमें तुलसी दल छोड़ दीजिएगा है,
व्यापार करने गए, व्यापार में भी उन्हें हानि प्रदान हुई। चंद्रकेतु नामक राजा के वहाँ उस नगर में गए व्यापार करते हुए, वहाँ देखा कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, राजा के नगर में चोरी हो गई और राजा ने उनको पकड़ा और जेल में डाल दिया, क्योंकि उनने व्रत नहीं किया था भगवान की भी। इसीलिए हमारे वहाँ कहते हैं कोई भी आप प्रण करते हैं, कोई भी मांग के आते हैं किसी मंदिर में, तो उसे पूर्ण करना चाहिए। फिर घर में पता लगा, सब घर का भी धन चोर चोर के ले गए, राज्य का संपूर्ण धन चला गया। उसकी पत्नी लीलावती, कलावती भार्या दोनों ही दुखी हो गए, पुत्री और माता दोनों दुखी हुए। जैसे ही राजा चंद्रकेतु को पुनः भगवान से प्रार्थना करी और भगवान का व्रत किया, व्रत करने के पश्चात भगवान ने कहा कि राजा चंद्रकेतु इन्हें कारागार से मुक्त कर दो। कारागार से मुक्त हुए और उनका संपूर्ण धन लौटाया। रास्ते में फिर भगवान ने परीक्षा ली, अरे बणिक इसमें क्या है? उन्होंने बोला पत्रम पुष्पम फलम तो यम, इसमें तो पत्ते हैं और कुछ है ही नहीं। अच्छा तो यथास्तु तथास्तु, जैसा आप कह रहे हो ऐसा ही हो जाए। तो वहां पत्ते ही हो गए। दोनों ने देखा आगे जाकर और उसमें कुछ नहीं, महाराज पत्ते और पुष्प दोनों ही घायल हो गए। फिर पुनः उनकी पत्नियों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान का पूजन किया, उनकी मूर्छा दूर हुई और भगवान के प्रभाव से घर पहुंची। और घर पहुंच के उनने भगवान का संपूर्ण विधि विधानानुसार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए, यथानुचित मनोकामना की प्राप्ति हुई, कलावती को अपने पतिदेव को प्राप्त हुई। और बहुत सुंदर सी कथा में कहा है कि लीलावती जो उनकी पत्नी थी राजा की, वह बणिक की वह पत्नी भी धर्म परायणा थी। उसने बोला कि विधि विधानानुसार भगवान का पूजन करेंगे, भगवान सत्यनारायण का भजन करेंगे, व्रत करेंगे तो हमारे संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी। दोनों ने व्रत किया, जवाई और दामाद दोनों ही भगवान के व्रत करके अपनी पत्नियों साथ संपूर्ण भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। बोले बंधुओं, इसीलिए इस कथा का यहाँ पे विधान जो आया है उसका भाव ये है कि कभी भी हम किसी मंदिर में, देवालय में, अन्यत्र कहीं भी जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में वहां कुछ बोल के आते हैं तो उसे हमें जीवन में पूरा करना चाहिए। उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं, नहीं करते हैं तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होकर भगवान हमें दुख प्रदान करते हैं, कष्ट प्रदान करते हैं। इसीलिए कुछ भी आप बोल के आओ, कुछ भी कामना करके आओ तो उसे पूर्ण करना चाहिए। भगवान सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद घन परमात्मा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्य नारायण व्रत कथाया तृतीयोत्सव श्री सत्य नारायण चरणार प्रणमस्तु। सत्य नारायण ने।